यही है जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद भी तुम ऐसे ही करोगी या फिर अपने कपड़े भी मुझसे इस्तरी करवाओगी? शुक्र करो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई है, हसीना से नहीं। अगर हसीना बाजी से हो जाती ना तो हर वक्त तुमसे वो अपनी टांगे दबवाती। मेरा एंट्रेंस। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गरम कर लेना चाहिए। बस इरादों में गरम जोशी की जरूरत होती है। तुम हिम्मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है, उसे बेच के इतने पैसे मिल जाएंगे कि छोटी मोटी झुमकियाँ बन जाए। तू कल मुझे मजेदार गाय के गोश्त वाली निहारी और साथ में शीरमाल और क्या कहते हैं वो मलाई वाली लस्सी का बड़ा गिलास ला के पिलाता तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पैसे? इतने सारे पैसे तेरे पास कहां से आए? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। आप क्या आसमान से लिखवा कर लाए हैं कि बस मुझे से टकराना है? सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। अच्छा ये तो बता दे, आपके पीछे क्या चोर पड़े हैं? चोर? नहीं नहीं, कौन चोर? आप और कौन? तुम्हें किसने बताया? क्या यही कि मैं चोर? मुझे नहीं पता होगा तो क्या मम्मी को पता होगा? मेरा दिल जो चुराया है आपने। क्या दिल? हाँ जी, जब से देखा है लगता है कि बस दिल ही खो गया है कहीं। तो मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मजाक? और ऐसा मजाक कभी नहीं करती हूँ। फूल, तुम्हारी फूल जैसी बात है। आपने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं क्या? मेरे घर में तो सबके मुंह से अंगारे उगलते हैं। कसम से फूल झड़ते तो मैंने आपके मुंह से देखे। अच्छा ये घर तुम्हारा है ना? हाँ हाँ, पक्का वाला अपना है। ये बड़ा घर है, अपना है कि किराए पर है? सारे का सारा अपना है। अच्छा मुझे पानी भर के ला दोगे क्या? घर में एक कतरा नहीं है पानी और बिजली भी नहीं है कि मोटर चला लूं। हाँ हाँ अभी ले आता हूँ। कितना पानी चाहिए? सिर्फ दो बाल्टी। दो बाल्टी? अच्छा चलें। वाह तो वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दुदू का दिमाग ऐसा भी चल सकता है। टांगे तोड़ दूंगी उसकी अगर उसे अब दोबारा इस घर में कदम भी रखा तो। बस करो अम्मा, खत्म कर दो ये किस्सा। तुम्हें पता तो था छोटी मोटी चोरियां तो गुड्डू करता ही रहता था। अब अगर उसे मोबाइल मिला तो वो ले जाके बेचता ही, और क्या करना था उसने? पीछे ही पड़ गए हो तुम तो एक बात के। खत्म करो ये किड़किड़, अब हर वक्त घर में किड़किड़ किड़किड़ करते रहते हैं। ऐसे कैसे ले गया? वो बेधड़क वो फोन मेरे बेटे ही था जो तूने हथियाया था। हाँ मेरी तेन कमरे में रहती हुई है, वो तो मैं ताले में रखते हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े तोड़ फिर रहे भैया। तो बताओ जा बहन जा, छुपा ले अपने आप को भी कहीं बंद कर ले, ताले में चोर फिर रहे हैं यहाँ पे। जाहिर है ये तो ताने देगी ना, औलाद ही ऐसी निकली मेरी। अब तू जा, तू क्या मुंह देख रही है, चाय ले क्या? हाँ लाती हूँ। अरे बस करें मानी जान, गुस्सा थूक दें ना समझे गुड्डू। अगर ये ड्रामा खत्म हो गया तो नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। ये हाजिर है नाश्ता, अब जल्दी खा लेना, फिर पराठा ठंडा हो जाएगा। वाह भाई वाह, बड़े नाश्ते पेश किए जा रहे हैं सुबह सुबह। वैसे तो काम को हाथ तक नहीं लगाती, अब बगैर तो कैसे। अरे माँ को तो कभी नहीं पूछा कुछ।
और उसे पराठे दिए जा रहे हैं। लानती हूँ, मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मरो तुम लोग, दफा। अब बालम तुम नाश्ता करो, अम्मा की तो आदत है। अम्मा का असल मसला पता है क्या है? आपा की शादी का खर्चा, बस उसकी वजह से सबके ऊपर गुस्सा हो रही है वो, और होती रहेगी जब तक आपा की शादी नहीं हो जाती। तुम खाओ खाओ, चाय तो रखना इधर, पराठा तो ले आ जाके। खुद ही चली जाओ। कौन चोर? मैं देखता हूँ हमारी जान को। जी बेटा, कुछ चाहिए? नहीं मोबानी जान, वो बात करनी कुछ। हाँ बोलो। वो आपा की शादी के लिए परेशान नहीं हुआ? क्या मतलब बेटा? मैं जानता हूँ कि हसीना सब कुछ बेचारी अकेली कर रही है, लेकिन कब तक अकेली करती रहेगी? एक अकेली जान है वो। मैं जानती हूँ बेटा, तुम हसीना को बहुत चाहते हो, बहुत ख्याल है तुम्हें उसका। वो मानी जान, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आपा की शादी का खाना और मेहंदी माइयों बारात सबका खाना मेरी तरफ से, आप मना नहीं करें। ले जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे खुश रखे। तूने तो अपनी मामानी के सर से बोझ उतार दिया, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान? कैसा एहसान? आपका बेटा नहीं हूं क्या मैं? बहुत बदनसीब है हसीना, जिसे तुझ जैसे हीरे की पहचान नहीं। आपकी बेटी खुद हीरा है, बिल्कुल आपकी तरह। हट बेशर्म। हाँ सच बोल रहा हूँ, आपकी परछाई है बिल्कुल। अच्छा बस ना, आप ज्यादा ना बना मुझे। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। आमीन। जीता। चल भाई चल, नाश्ता कर लिया ना, बर्तन समेट के अंदर लेके जा। तुम सिर्फ खाने के लिए हो, खुद ही ले जाओ, मैं नहीं लेके जा रही। अरे तू तो भी पूछ लो, अंधेरे मुंह से उठी हुई हो तो खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा, इतनी भूख लग रही है मुझे मान से। अम्मा भी आप कमरे में खा तो रही थी, तो खा रही थी मैं। आप भूल गई, मलाई डबल रोटी। अल्लाह, अब पता चला कि अम्मा की मलाई कौन डकार जाता है। शर्म करो फूफा, शर्म करो। अम्मा बेचारी मलाई ढूंढती रहती है और तुम ढूंढती रहती हो। बताने की है? इतनी ज्यादा मलाई खाने के बाद भी और गुंजाइश है फूफा कुछ खाने की? मुझे तो लगता है एक दिन ये हमें भी खा जाएगी। खबरदार तो मेरे खाने पे नजर रहती, मुझे क्या दोनों हैदर करवाओ दी। तुम दोनों तो इन देतियों से पीछे लगे हुए हो ना, जो इनसे चमते बने हुए हो। मैं अच्छी तरह देख रही हूँ, जिस घर में नाश्ता नहीं मिलेगा मुझे, उस घर की लड़कियाँ मेरी बहन बनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई छाप न देते। मैं सुबह सुबह क्या तमाशा लगाया तुमने? 5 किलो दूध की मलाई हड़प गई और फिर कहती है कि मुझे खाने को नहीं देते, कोई ताने दे रही है हमें। मैं ऐसे कैसे बोल दिया तुमने हसीना को? और कह रही है बहू भी नहीं बनाऊंगी, ख्वाब देखने छोड़ दो। खैर वो आप तो कोई और भी देख रहा है। मेरे थाम में झुकते ना, इस तुरेल छितरी तो ऐसा पीटूंगी, ऐसा पीटूंगी या तरे दी। आप तो कोई और भी देख रहा है। बस कर दो अम्मा, खुदा के लिए हम लोगों को सुकून से जी लेने दो। तुम्हें खाना क्या? खाना क्या मुझे बताओ, मैं बाजार से ला के दे देता हूँ तुम्हें। क्या लाते देता? तुम बताओ तो सही, कहाँ खाओगी? मैं ना हसीना के हाथ का पराठा खाऊंगी और ये जो छिपतली है ना, इतने हाथ से दूध पत्ती वाली चाय पीऊंगी। बस इतनी सी बात है ना, रुको मैं बोलता हूँ। हसीना जाओ तुम अम्मा के लिए पराठा बनाओ, चुप कर ली, मेरा मतलब करी ना, तुम जाओ अम्मा जो कह रही वो बना के लाओ, ठीक है? जल्दी से। देखा अभी उठ रही है दोनों, मेरी बनाती है जूती और मेरी भी देखिए। और
बोल किसे पर। मैंने कहा बोला था? चमचो देख लिया तेरे को खेलना बिठाते चली गई अपनी माँ तो। ना कम उम्र है अभी बड़ी तो हो जाए वो। बड़ी और सोच के मुस्कुरा रही है तू? कुछ नहीं अम्मा, सोच रही हूँ ये गुड्डू कितना मासूम है। हाँ, उसने तुझे पानी भर के ला दिया ना, इसलिए वो मासूम बन गया। लड़कियों के ऐसे कामों के लिए तो लड़के भाग भाग के करते। उसने कोई एहसान नहीं किया हमारे पे, मस्जिद से पानी ला के दिया ना, सवाब कमाया। मम्मी तुम कुछ भी कहो लेकिन वो सबसे अलग है, कुछ अलग बात है उसमें, कसम से। ज्यादा ड्रामे मत कर वरना तेरे ड्रामों का दी एंड कर दूंगी मैं। जा जाके चाय बना के ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूध पत्ती लाना, पत्ती ज्यादा डालना, सोचना कम आ जा। या अल्लाह, बहुत ही अट्रैक्ट हो गई उस पर मजनू की तरह। एक ही बच्ची है, किसके सहारे जीऊंगी मैं। करीना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बिल्ले पर नहीं। म्याऊं। आपा तुम्हें कैसे पता कि वो बिल्ला है? मुझे सब पता होता है, और ये बात भी अच्छी तरह पता है कि इसी घर का पालतू बिल्ला है। आपा फजूल बातें मत करो, अपनी एक्सरसाइज करो। तो जाहिर सी बात है मैं एक्सरसाइज क्यों ना करूं, मेरी शादी हो रही है, एक्सरसाइज तो मुझे करनी चाहिए ना। वैसे करीना एक बात कहूं, तू कम उम्र है, खूबसूरत भी है और माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी है, तुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तू हसीना के हक पर डाका डालना छोड़ क्यों नहीं देती? क्या हो गया आपा, भला मैं क्यों ऐसा करने लगी? देख करीना, मेरे पास भी आंखें हैं और सब नजर आता है मुझे। ये तेरे और पालम के बीच जो कहानियां चल रही है ना, अच्छी तरह जानती हूँ सब। आपा तुम मुझे समझाने के बजाय ना हसीना बाजी को समझाओ, बालम उससे 4 साल छोटा है। करीना क्या तू ये बात भूल रही है कि बालम तुझसे भी 1 साल छोटा है? और रहा सवाल उस हसीना का, तू बचपन से उसको चाहती है। तुम उसकी माला इसलिए जप रही हो ना कि वो तुम्हें खाने को दे रही है? इस घर में उसी की जुबान बोली जाती है जो खाने को देता है। मैं भी नौकरी करूंगी, मैं भी कमाऊंगी, ताकि इस घर में मेरी मानी जाए, मेरी भी चले। तुम सब उसके गुलाम हो, उसके टुकड़ों पे पलते हो इसलिए। सच बताओ करीना, निहायत ही बेगैरत औरत है तो जैसी कमजर्फ और नमक हराम लड़की ना कभी भी हसीना का मुकाबला कर भी नहीं सकती। फाड़ में जा, कर जो कर रहा है। हाँ हाँ जाओ, और कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी तरह उसकी चमची नहीं बन सकती। अरे जा 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 जा। तो मुमानी जान क्या तय पाया थे? 9 तारीख तय पाई है अगले महीने की। मुबारक हो, मिठाई किधर है? यार मिठाई तो रिवाज नहीं होता, चाहे इतनी थूती हो। तू तो जब भी बोलना जहर यू कर। जरूर मिलेगी बेटा मिठाई, अभी खिलाती हूँ। ये ले, ये ना मेरा बेटा, ये बाजार से जाके मिठाई ले। भाभी इतने तो नुत्ती दाने भी नहीं आएंगे। भाभी एक बात बताओ, आखिरी बार मिठाई तब ली थी तुमने? अम्मा कभी तो चुप हो जाया करो। तुम करता। अच्छा मिठाई तो आई जाएगी, आप ये बताइए आपने तकरीब के बारे में क्या सोचा हुआ है, खाने वगैरह में क्या होगा, क्या इंतजाम होंगे? हाँ मुमानी जान, आपने किस किस को बुलाया है और उनकी तरफ से कौन कौन आ रहा है? तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे लड़ती थे बाप हो। जाहिर है घर के मर्दों का ही काम होता है, ये सारे इंतजाम इन्होंने ही तो करने हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। भाभी इधर तो मर्द
तुम्हारा वो फीता थरबूदा है, मेरे बत्ते नहीं। और तुम दोनों तान थोलते थुल्लो, इन तत्रों से ना जरा दूर रहो, वरना थारा थरता मलबा तुम दोनों पे पड़ जाएगा। जानता रहा, अब तो तुम एक घर एक छत के नीचे रहती, एक ही बर्तन में खाती, अब तो तुम ऐसी बातें ना किया करो, तो ये परायापन छोड़ दो, खत्म कर दो। देखो मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, इस खुशी का इंतजार करते करते मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी आंखें पत्थर आ गई, और अब जब ये बहार आ रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम्हारे भाई की बेटी है सफीना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुमानी जान। हाँ मुमानी जान भाई, हमें तो आपा की शादी की बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो लगता है कि किसी ने मेरे सर से सारा बोझ उतार दिया, खुदा करे सब खैर खैरियत से हो जाए। मुझे तो सफीना के मुकद्दर से बहुत डर लगता है। आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुमानी जान आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम दोनों भी आपके बेटों की तरह हैं। चलो भाई मैं तो चलूं, इधर पता नहीं तो ड्रामा शुरू हो गया, इतने तावी दंदे धोल धोलते पिला दिए मेरे बच्चों तो दादू दरनी ने। खुदा के लिए जाओ बाज आ जा, चुप हो जा, अगर मेरी जबान खुल गई ना तो क्या कर लेती तू? अपनी औलाद तो संभाल नहीं थी, मेरे बच्चों पे हद मारी बड़ी आई दादू दरनी तई थी। निकल जा यहाँ से, दफा जा, चोर कहीं के दफा जा, दफा जा, निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, जान संभाल दूंगी तुझे, चोर कहीं का। चोर किसको कह रही हो पुप्पो? हमारे घर में रहकर हमें ही चोर कह रही है। अरे नहीं करी ना, अम्मा ने तुम्हें नहीं कहा? अरे हाँ हाँ, इतनी तो तोल कह रही हूँ मैं, भाभी थी थारी औलादे तोर है तोर। पुप्पो जुबान संभाल के, वरना तोतली से गूंगी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें। यही है जिंदगी, दे दो। मैं तुम दोनों तो ना आखिरी बार कह रही हूँ, तान ढूंढ लो, अगर नहीं ढूंढा ना तो मैं तुम्हारी उन लड़कियों से शादी करा दूंगी जो तुमसे 12-13 साल बड़ी है। बड़ी करोड़पति है, घर देंदी, तार देंदी, पैसे देंदी, देवर देंदी, और क्या चाहिए हमें? एक काम करो अम्मा, हम दोनों को ना ठेले पे डाल के इतवार बाजार बेच के आ जाओ, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इतवार बाजार में तो लंदे का माल मिलता है, देसी माल तो ही नहीं खरीदता। ये तो इम्पोर्टेड है, इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे अम्मा कभी तो अच्छी बात कर लिया करो हमारे लिए। तू आजकल जहाँ अच्छी बातें चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा भाई मैंने दुकान देख ली है, अच्छे महीने का किराया मुझे दे दो ताकि मैं वहाँ दे दूँ और माल डलवा लूँ। क्यों भाई क्यों? मैं चराया क्यों दूँ? तेरे बाप ने नोट पे दर्द लगाए, मैं चराया दूँ? और हाँ सुन ले, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना देवर बेच दे रही। क्या? हाँ ना, वो थारा देवर बेच दूंगी, उससे थारे पैसे लेते बैंक में रखा दूंगी, फिर डिपॉजिट। अम्मा क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? अरे सही कह रही हूँ, इस घर में बहुत बड़े बड़े चोर हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा थारा देवर चोरी करते ले जाए। चोर किसको कह रही हो पुप्पो? हमारे घर में रहकर हमें ही चोर कह रही है। अरे नहीं करी ना, अम्मा ने तुम्हें नहीं कहा? अरे हाँ हाँ, इतनी तो तोल कह रही हूँ मैं, भाभी थी थारी औलादे तोर है तोर। पुप्पो जुबान संभाल के, वरना तोतली से गूंगी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें। तौबा तौबा, की पड़ताल आए सुंदरी, जिस घर में दाई दी ना आग लगा देती करते। आग लगाना ना तुम्हारा काम है समझी, जितनी इज्जत कर रही हूँ सर पे चढ़ी जा रही है। थल पे तली जा रही है। करीना आप जबान संभाल के बात करो, अम्मा से कैसी बातें कर रही है? हाँ हाँ, उनकी जुबान चलती रहे हमारी ना चले। एक तो रोजे में तुम बेरोजगारों के लिए चाय बना कर लाई, ऊपर से बातें सुना रही है।
अम्मी की तो आदत है, तुम प्लीज बुरा मत मानो। रहने दो रहने दो, इन्हें तो हमें नीचा दिखाने में मजा आता है। हटो, छोड़ो ये चाय। अरे एक घूट रह गई थी, गटर में फेंक दूंगी, तुम लोगों को नहीं पिलाऊंगी। करीना एक घूट। ऐसे मुंह पे चाय क्यों चल रही है? बेदर्द बेशर्म बेहया, तू तो जल्दी से चल दादा थोना बेहतर आओ, नहीं तो थोने की दताज भी देनी पड़ेगी। चल चल जल्दी से उठ जा उठ। और हाँ तू सुन ले खबरदार, जब उसके मुंह लगा तो कैसे छीनते रह गई, बिचारी चाय पीता रहता। एक बात मेरी कान खोलकर साफ साफ सुन ले, जिस लड़के की मोहब्बत में तू गुम है ना, उसे भूल जा। एक बात याद रखना, तेरी शादी वादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर 5-6 साल बाद पैदा हो भी गया ना, तो तुम्हारी शादी किसी कंगले से नहीं, सेठ से होगी, अमीर जादे से। तो ये कहो ना कि किसी बुड्ढे रनवे और 5 बच्चों के अमीर बाप से होगी। तुम्हें पता ना कि हम किस मकसद के लिए यहाँ आए, कमेटियां डाल ली और चौथी कमेटी पे हमने भाग। हाँ, सब जानती हूँ, पहली 2 कमेटियां हमारी होंगी, तीसरी ऐसे इंसान की होगी जो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन वो भी हमारे गले में जाए, और चौथी तो हमें यहाँ से लेके भागना है ना, लेकिन उससे पहले मोहल्ले के किसी अमीर लड़के से तुम उधार मांगोगी और उसे मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा। बस यही है ना तुम्हारा प्लान? बस कर दो अम्मा बस, पिछले 5 साल से तुम यही तो करवा रही हो मुझसे, थक गई हूं मैं मोहल्ले बदल बदल के, कभी किसी दिन किसी को पता चल गया ना तो सीधा जेल जाएंगे हम। थोड़ा सा एहसास नहीं है अपनी औलाद का, कैसी माँ हो तुम? तो क्या कर, कैसे जिए, यही जिंदगी है, इसी तरह जीना होगा। इस तरह जीने से बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। पैदा करते ही मार क्यों नहीं दिया था तुमने मुझे? क्या हो गया फुफो, क्यों मनुष्यत फैलाई हुई है, क्यों इतना रो रही हो? फुफो ये आखिर इनका कसूर क्या है, क्यों मार रही हो इन्हें? इतना तू करे, तू अंदर तू भी पिता नहीं, पूरा बिल्ला पूरा दहिदा दादा बाद धोते बाद इतने मुझे ना धोता दिया, मार तो धोता दिया, तुम्हारी ही औलाद है ये। देने दे भाई देने दे, इन्होंने कौन सा हमसे कभी प्यार किया है, बस हमेशा नोटों से प्यार किया है। ऐसे तेरे को बड़ा कर दिया है ना तो आखिर ये क्या शोर शराबा मचा रखा है तुमने फुप्पो, कुछ तो बताओ हुआ क्या है? ना तो तुम इस घर में सुकून से रोजेदारों को रोजा रखने देती हो, ना किसी को नमाज पढ़ने देती हो, और कहलूला तो करने ही नहीं देती ना, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तू बोलता दादू धरनी, तू तो मेरे नफिल पढ़ती आई होती, वहां पर छिनई चादरी होती अपनी थादी के लिए, वो भी नहीं होती। तू दबा होता मेरी नजरों से जा रहा हूं, चला जाए ना से बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाते दोनी ताले सर में दर्द हो रहा है। कुछ बताओगी आखिर फुप्पो के हुआ क्या है तुम्हारे साथ? ये न बालम है ना, दुबई से जो मेरे लिए देवर लाया था, मैं गई थी बेचने के लिए,
थारा नतली नितला धोता दिया बुरे ने मुझे धोता दिया तुझे बस नकली था नहीं तो पुप्पो मुझे एक बात बताओ कि तुम अब तक नकली जेवर के ऊपर इतना इतराती थी तौबा 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 वैसे पुप्पो पै दर पै सारी मुसीबतें तुम पर ही आकर गिरी हैं तौबा तौबा तू बोला तोपते दोले अरे अम्मा तुम बालम को इतना क्यों कोस रही हो जेवर तो अब्बा ने भेजा था ना तुम्हें ऐसे एक बात है मुझे तो शक पड़ता है कि ये दोनों बाप बेटे मिले हुए यार कभी तो अच्छा सोच लिया करो आपा चप्पल उतार के तेरे मुंह पर देके मारूंगी मैं रमजान में भी तू मुझे तपाने से बाजना ना आपा तू भी दबाओ ना इधर से तू भी चली ना सब बताने मेरा मजाक कितने फरियाद करूं मैं अपनी दमती दानी दिल तो सुनाओ ए दिल तरते काम ने मुझे धोखा दिया बरा दिया मेरे सामने अल्लाह तेरे मले तब से तब खुदा के लिए इस तरह वक्त बेवक्त आना छोड़ दो अगर मम्मी घर पे होती तो क्या होता मुझे पता है वो घर में नहीं चमकी की तरफ गई मैं सारा सारा दिन सारी सारी रात तुम्हारी गली के कोने पे बैठा रहता सिर्फ इस इंतजार में कि कब वो प्यार के दुश्मन जाए और मैं तुमसे मिलने आ सकूं मेरी बात मान अभी थोड़े मोहतात हो जाओ वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी है उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी मुझे किसी की परवाह नहीं अगर है तो सिर्फ तुम्हारी मैं तुम्हारे बगैर बहुत तकलीफ में रहता हूँ फूल ये क्या माजरा है मैंने तुमसे ऐसी कोई मोहब्बत नहीं की कि तुम इस तरह दीवाने हो जाओ मेरे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फूल और अगर तुम मुझसे दिल लगी कर रही हो तो याद रखो मैं अपनी जान दे दूँ लेकिन तुम्हारी बेवफाई नहीं सहूंगा इस तरह आइंदा मत बोलना तुम तो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो लेकिन तुम जानते क्या हो मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में और मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं क्या मतलब ऐसे क्यों बोल रही हो सच कह रही हूं जिस तरह मैं नजर आ रही हूं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूं क्या मतलब तुम किसी और से नहीं बस तुम इतना समझ लो कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं मैं एक धोखेबाज झूठी तुम जैसी भी हो मुझे कबूल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माजी कैसा था तुम्हारा हाल कैसा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम आज और अभी से सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा तुम जानना नहीं चाहते मेरे बारे मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम जो भी बुरे काम करती हो वो सब छोड़ दूंगा मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगा इतना प्यार तुम अपनी अम्मी से शादी की बात करो मैं अपनी अम्मा को भेजती हूँ वो नहीं मानेंगी मानेंगी तो मेरी अम्मा भी नहीं मगर मैं मना लूं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कोई फर्क नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारी जिद की वजह से मैं सुन लेता हूँ मेरे लिए काफी है कि तुम मुझे चाहते वो सब ठीक है मैं नहीं चाहती कि आगे जाके तुम्हें सब कुछ पता चले इसलिए बेहतर ये होगा कि हम आज बात कर लें मैं फिर से कह रही हूँ जैसे मैं नजर आती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ देखो अगर मैं तुम्हें हसीना हसीना कहता हूँ ना तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम लोग हम उम्र हो गए तुम कम से कम कोई 4-5 साल बड़ी होगी मुझसे बाजी हो तुम मेरी क्या यही है जिंदगी यही है जिंदगी
क्लिनिक चल रही है ना? मम्मी छोड़े। छोड़ दिया मगर तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुम्हारे पास है क्या जो मेरी बेटी को दोगे? बड़े मजनू बने फिर रहे हो तुम। बस कर दे, क्या तमाशा लगा रही हैं आप? तमाशा लगा रही हूँ? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना ठीक हो जाओगी। खबरदार जिसको हाथ भी लगाया तो। क्यों, मेरी बेटी को इजाजत लूंगी आपसे कि मैं उससे बात कर लूं? महकमा औकाफ हो तुम? तू अंदर चल, मैं तुझे ठीक करती हूँ। मनोज लानत है तेरे पे। चल अंदर, अंदर चल, अंदर चल, तुझे मैं अभी ठीक करती हूँ। अंदर चलो बेगैरत। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस लड़के का क्या करूं। भाभी मैं बताती हूँ क्या करना। मिट्टी का तेल लाओ, इस पर थिरतो, ऐसे माटी लगा दो, आग लगा दो। तो कभी तो अपनी जबान के इंजन को ब्रेक लगा लिया करो। तू तब तक बोलने डालो, बोलने दे अपनी माँ को। अरे यही तो इसके बोलने के दिन है। मुझे तो मेरी औलाद भी तमाशा बना के रखती है, तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। अरे मुमानी जान आप क्यों बेकार में गुस्सा कर रही हैं? अरे खुद को संभालें आप। अरे कैसे संभालूं मैं खुद को? इस कुड्डू ने तो सांस लेना मुहाल किया हुआ है। ये जानता भी है कि इसकी बहन की शादी सर पे है, उसे मोए बिठाना है, मगर नहीं, इसको तो अपनी शादी की आग लगी हुई है। इसी घटिया हरकतें कर रहा है, देख रहा है तू? अम्मा मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तूने मेरी शादी फूल से ना कराई ना तो क्या करेगा तू? है? बता क्या करेगा? मार डालेगा हमें? मार डालेगा? बता क्या करेगा? हाँ, मार डालूंगा। किसी और को नहीं, अपने आप को मार डालूंगा। अम्मा अगर तूने मेरी शादी फूल से ना कराई तो मैं खुद को मार डालूंगा। पागल तो नहीं हो गया तू? क्यों फजूल में जज्बाती हो रहा है तू? अरे तू जानता है ये शादी वाला घर है और आपा की जितनी मुश्किल से शादी हो रही है, ये सब हरकतें क्यों कर रहा है? देख मुमानी जान की हालत, देख उधर। अरे कुछ तो ख्याल कर। क्यों करूंगा ख्याल? हाँ क्यों करूंगा ख्याल? इन्हें है मेरा ख्याल। देखा, देखा तुमने, ये कैसे कह रहा था? ये तो मुझे मेरा गुड्डू ही नहीं लग रहा। भाभी तुमने तेजी तरबियत दी है अपनी औलाद की। अगर मेरी ऐसी औलाद होती ना तो छुला देती तुम तो, और तू ना इतनी थोबत में नहीं रहना, खराब हो जाएगा तू भी। अरे तू तो चुप कर, थाई जा रही है तू, बोला तू थाई जा रही है ये। आरा दुत्ता मर्दाना हाथ है तुम्हारे पूरे। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुम्हारा और गुड्डू का क्या मामला चल रहा है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। एक बात याद रखना, हम अपने मामले को तय करने के बाद रफो चक्कर हो जाएंगे यहाँ से। तुम्हारे इश्क के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी, समझी? अच्छा लगता है वो मुझे, इस दोगली दुनिया में वो मासूम नजर आता है मुझे। मेरे दिल में बस गया है और कोई भी अब उसे मेरे दिल से नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। पागल हो गई हो क्या? क्या देगा कंगला वो तुझे भूख फाके और महरूमियों के अलावा? प्यार, इज्जत, तहफ्फुज और नाम देगा वो मुझे, जो तुम्हारा शौहर और मेरा बाप मुझे कभी नहीं दे सका। फूल! सच बात, चुप गई क्या? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी तरह किसी अमीर आदमी की दूसरी बीवी बन जाओ और गुमनामी की जिंदगी गुजारो, और एक दिन वो मेरी गोद में बच्चा डाल के अपनी पहली बीवी के पास भाग, और मैं तुम्हारी तरह रॉड की जिंदगी गुजार गुजार के अपनी औलाद को पाली, और जब वो औलाद बड़ी हो जाए तो उससे भी ये सब कुछ करवाऊं और पैसे कमाने की मशीन बना लूं। नहीं नहीं, भूल ऐसा हरगिज नहीं करेगी, कभी नहीं। भूल या अल्लाह, कि तूने मुझे कैसी औलाद दी है, बेहिस और खुदगर्ज, अल्लाह ही पूछे इन्हें। अम्मा ये बोलो कि कैसा बेटा दिया है, बेहिस और खुदगर्ज। सबको ना कोशिशों में शामिल करो अपने। अम्मा ये इतना बेगैरत है, इसे जरा इस बात का ख्याल नहीं कि बहन की शादी सर पे खड़ी, एक रस्म भी नहीं हुई लेकिन सबने इतनी नजरें लगाई हुई, और ऊपर से कुछ नहीं तो इसको अपनी शादी की पड़ी। अम्मा मैं कह देता हूँ, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा।
वो अपने बाप पे गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। अगर मेरी शादी फूल से ना की तो मैं मार डालूंगा खुद को। देखा देखा कैसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ के आए ये। अम्मा मैं बता दूं तुम्हें, ये उल्टी सीधी पट्टियां भी इसे उस काली दाल ने पढ़ाई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगा। जान लेगा ना, ये ले छुरी और ले अपनी जान, ले 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 जान अपनी। ए हट पीछे, पागल हो गई क्या? ये डरा रहा था अम्मा तुम्हें, ये तुम्हें सिर्फ डराता है, ऐसी बातें करके धमकियां देता है। डरपोक कहीं का, ये मारेगा खुद को, इसकी शक्ल है। ये खुद को मारे ना मारे लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके सर पे जो सेरा बांधने का भूत सवार है ना, मैं इसको छोड़ूंगी। बालम मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ सीना बोलो। अब तू फूफो से कब बात करेगा? क्या बात? अब इतना बुद्धू भी ना बन, तेरे और मेरे रिश्ते की बात। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं क्यों करूंगा तुम्हारे रिश्ते की बात? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी और तुम, तुमसे क्या हो गया है तुम्हें? देखो अगर मैं तुम्हें हसीना हसीना कहता हूँ ना तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम लोग हम उम्र हो गए। तुम कम से कम कोई 4-5 साल बड़ी होगी मुझसे, बाजी हो तुम मेरी। क्या? और उस रात जो तुमने मुझसे इजहार किया अपनी मोहब्बत का, वो मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत किया कब? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। जिस रात लाइट गई थी उस रात तुमने कहा कि मैं तेरी आंखें। वो तुम थी। देखो हसीना हकीकत तो ये है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं। साथ लाइट गई भी थी, अंधेरा था, मैंने करीना समझ के तुमसे वो सब कुछ बोल दिया। हालांकि वो सब कुछ मैंने करीना को कहना था। करीना करीना करीना, आखिर ऐसा क्या है उस करीना में? तुमसे मोहब्बत मैं करती हूँ बचपन से, करीना नहीं। मैं करीना से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूंगा, समझी तुम? हटो यहाँ से। कहीं हसरत भी है कहीं नफरत भी है, ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, जी रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी कहीं पालम को तो तूने अपनी अदाएं दिखा के शीशे में उतार लिया, अब और किसे फंसाना है? बाजी आज तुम बिना फुफ्फो वाली जुबान बोल रही हो। तो सच बोल रही हूँ, वो भी सच कहती है और मैं भी सच कह रही हूँ, और तुझसे सच बर्दाश्त नहीं होता। जब तुम लड़की होके इतना हंगामा मचा सकती हो तो मैं लड़कों के क्यों नहीं मचा सकता? बेशरम मैं नहीं तुम हो, समझी? मरे जा रही हो शादी के लिए। ऐसी एक्टिंग करूंगा ना खुदकुशी की, सब के सब मेरी बातें मानेंगे।